अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनोशीन चौधरी और मेरे साथ हैं। वालेकुम, मेरा नाम है चौधरी आसिफ अली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वी होप सो आप सब लोग फिटफट होंगे, टिप टॉप होंगे और मज़े से होंगे। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, वीडियो का टाइटल है ताजिकिस्तानी स्टार सिंगिंग बंगाली सॉन्ग। बंगाली जो लैंग्वेज है वो नो डाउट बहुत ही मीठी लैंग्वेज है, और ताजिकिस्तान के सिंगर जो हैं वो बंगाली लैंग्वेज में गाना गा रही हैं। तो टाइम ज़ाय किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। Let's start the video. 3, 2, 1, start. Let's show love.
बस ये थी आज की वीडियो, बहुत ही अच्छी आवाज़ थी उनकी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गाना गाया, म्यूज़िक भी बहुत अच्छा था, लिरिक्स जो है वो हमें समझ नहीं आए लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। और ताजिकिस्तान में भी जो है वो बांग्लादेश के गाने सुने जाते हैं, बंगाली लैंग्वेज जो है वो इतनी मीठी है कि बहुत सारे कंट्रीज़ में इसे पसंद किया जाता है, और ताजिकिस्तान की सिंगर ने जो है वो गाया और बहुत ही अच्छा गाया। जी, तो ये था आज का वीडियो। एक ताजिकिस्तान की सिंगर हैं, उन्होंने बंगला लैंग्वेज में सॉन्ग गाया, बंगाली सॉन्ग गाया, तरीके से उन्होंने बंगाली सॉन्ग गाया। हम तो गाने को सुनते हुए उसके अंदर ही गुम हो गए थे, और बहुत ही उनकी अच्छी आवाज़ थी। और बंगला लैंग्वेज जो है बहुत ही ज़्यादा मीठी और बहुत ही ज़्यादा सुरीली जो ज़ुबान है। बंगाली लैंग्वेज ना सिर्फ बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बल्कि पूरी दुनिया में सुनी जाती है। और ताजिकिस्तान की सिंगर की जानिब से जो गाना गाया गया, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग, बल्कि दूसरे जो ज़ुबान बोलने वाले लोग हैं, वो भी बंगला लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसीलिए उन्होंने बंगला लैंग्वेज में सॉन्ग गाया। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज।